जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है और ये सत्संग हमारे पास आया है दिल्ली से नेहा आंटी जी के थ्रू। हाँ जी, नेहा आंटी जी ने ये सेवा के सत्संग को भेजने की हमारे पास, और ये सत्संग है सुमन आंटी जी का, जो नेहा आंटी जी ने रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। दिल्ली से सुमन आंटी जी का सत्संग है ये। मैं नेहा आंटी और सुमन आंटी दोनों का दिल से शुक्राना करता हूँ, नेहा आंटी जी का उनकी सेवा के लिए और सुमन आंटी जी का सत्संग शेयर करने के लिए। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम मेरे दाता का। अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कितने जन्मों से आपने जोड़ा हुआ है, वो तो आप ही जानते हो गुरु जी। अपने सबसे पहले एक सत्संग में गई थी, वहाँ से पता लगा गुरु जी, हाँ ये गुरु जी है। गुरु जी ने बुलाया, दर्शन कराया, अपने गुरु जी ने चरणों से लगाया। जितना मुझे शुक्राना करूँ उतना कम। उस टाइम हम बहुत परेशान थे गुरु जी, फिर ऐसे ही है ना, LIC वगैरह सब बंद हो गई थी। हम जान रहे थे, थोड़ा सा कर्जा था 1 लाख के करीब, फिर पता नहीं कहाँ से क्या करें। फिर गुरु कोई अंकल आए, पूछते पूछते LIC वाले अंकल के सुमन नाम की कोई LIC है, ऐसे ही वहाँ से फिर आपके इतने पैसे निकल रहे हैं, ऐसे ही सबसे पहले गुरु जी ने वो कर्जा उतरवाया। फिर ऐसे फिर अंकल ना ड्रिंक करते थे, फिर ऐसे करते करते गुरु जी ऐसे लगता था कि इस घर में रहो नहीं, कैसे शाम होएगी। फिर इतना डर लगता था, आंटियाँ भी इतनी परेशान रहती थी, तीन तीन आंटियाँ हैं गुरु जी की। फिर गुरु जी ने ना ड्रिंक छुड़वाई अंकल की, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर अंकल इतने बीमार हो गए, सारे दिखा दिखा के परेशान हो गए। गुरु जी ने फिर अंकल को ब्लेस करा, उनकी हेल्थ बख्शी। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम मेरे मालिक का। फिर पता नहीं, फिर दो लॉकडाउन के थोड़ा सा गया, फिर अपनी आंटी की शादी ब्लेस करी गुरु जी ने। 11 दिन के अंदर अंदर कुछ भी नहीं था गुरु जी के आंटी के पास, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कि कैसे होएगी शादी। पता नहीं गुरु जी ने कहाँ से एकदम ऐसे इंतजाम कराया और सब कुछ ऐसे अच्छे से निमटवाया अपनी आंटी की शादी। फिर छोटी वाली आंटी बीमार हो गई, उसकी हेल्थ बख्शी गुरु जी ने। छोटी वाली आंटी को फिर बाहर भेजा गुरु जी ने, एयर हॉस्टल में। उसका कनाडा जाने का भी मन था, पर गुरु जी ने कहते हैं ना गुरु जी, जहाँ से ही लगता है गुरु जी वहीं भेजते अपने बेटियों को, अपने बच्चों को। फिर उसको एयर हॉस्टल भेजा गुरु जी ने, उसको ब्लेस करा गुरु जी ने। जितना भी शुक्राना करूँ मेरे मालिक। थोड़ा सा गया, फिर अपनी आंटी की शादी ब्लेस करी गुरु जी ने। 11 दिन के अंदर अंदर कुछ भी नहीं था गुरु जी के आंटी के पास, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कि कैसे होएगी शादी। पता नहीं गुरु जी ने कहाँ से एकदम ऐसे इंतजाम कराया और सब कुछ ऐसे अच्छे से निमटवाया अपनी आंटी की शादी। फिर छोटी वाली आंटी बीमार हो गई, उसकी हेल्थ बख्शी गुरु जी ने। छोटी वाली आंटी को फिर बाहर भेजा गुरु जी ने, एयर हॉस्टल में। उसका कनाडा जाने का भी मन था, पर गुरु जी ने कहते हैं ना गुरु जी, जहाँ से ही लगता है गुरु जी वहीं भेजते अपने बेटियों को, अपने बच्चों को। फिर उसको एयर हॉस्टल भेजा गुरु जी ने, उसको ब्लेस करा गुरु जी ने। जितना भी शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम मेरे दाता। अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना। ऐसे ही एक बार बड़े मंदिर गए थे, गुरु जी की तीन तीन चार आंटी थी, और बराबर में एक आंटी रहती है उनके, वो आंटी थी, उनके अंकल थे, और वहाँ बड़े मंदिर गए थे। और वहाँ से है ना मेट्रो निकल गई थी, तब फिर वहाँ पे हम एकदम ऐसे हो गए, अब जाए तो कैसे जाए।
तो ऐसे ही वहाँ बाहर निकल के फिर एक बस, जैसे बस करके ले जाते हैं, तो वहाँ बस बस वाले वहाँ पे आए बैठ के कि वहाँ तक छोड़ देंगे हम सादीपुर डिपो तक। फिर उन्होंने वो बस वाले ने वहाँ उतार दिया, फिर आंटी अंकल सारे वहाँ उतर गए। वहाँ पे हम इतना डर लग रहा था कि हम कहाँ जाए, कोई रोड भी समझ नहीं आए। फिर इतने में यानी गुरुजी, एक गाड़ी आ रही थी जय गुरुजी लिखा हुआ, अंकल बैठे हुए थे कान में बाली पहने हुए थे सुंदर। उनसे एकदम पूछा, अंकल अंकल हमें वहाँ जाना है करोल बाग मेट्रो स्टेशन की तरह। आप गुरुजी की आंटी एक और बोल रही, कह रही वहाँ पे फिल्मिस्तान जाना है। कह रहे अच्छा आपको करोल बाग जाना है, इनको फिल्मिस्तान। नहीं नहीं हम तो गुरुजी के बड़े मंदिर से ही आए हैं और हमें ना वहीं जाना है फिल्मिस्तान सबको। कह रहे 10 मिनट लगेगी, चलो मैं पहुँचा के आता हूँ। मेरे मालिक ने पता भी नहीं लगा, 10 मिनट लगी और पूरी गाड़ी ऐसी गुरुजी आए और ऐसे छोड़ भिजवाए अपनी आंटियों को अंकल को, 10 मिनट भी नहीं लगी। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम, छोटे छोटे सत्संग तो बहुत ही होते गुरुजी के। मेरे मालिक जैसे ने आंटी की शादी कराई, ऐसे सभी बेटियों की शादी कराना गुरुजी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। कोई गलती होगी वो सत्संग करने में तो क्षमा कर देना गुरुजी अपनी आंटी को। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम मेरे मालिक का, हर घड़ी हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे दाता।